सब सड़े हुए खबरें छापते हैं ये लोग आजकल। जापान में एक कुतिया ने एक साथ 12 बच्चों को जन्म दिया जिसमें से 2 ट्विंस थे। अरे डॉल डॉल देखो ये खबर पढ़ी तुमने? नहीं। नेशनल एकेडमी पुराने कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रही है। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये एकेडमी वाले हमेशा पुराने कलाकारों को ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देते हैं। आई टेल यू। नहीं नहीं ये देखो क्या लिखा है। सबसे पहला अवार्ड जा रहा है पुराने जमाने की मशहूर डांसर पायल देवी को जो पिछले 30 साल से गायब है। You mean missing? लिखा है कि 30 साल पहले वो हिमालय में कैलाश पर्वत के ऊपर एक डांस का आइटम करने गई थी, वहां से खाई में गिरी और आज तक नहीं मिली। नेशनल एकेडमी उसको 5 लाख रुपए का लाइफ टाइम अवार्ड देने के चक्कर में है। 5 लाख? काश मैं पायल देवी की बेटी होती। अरे तुम ऐसा बोलो कि काश मैं पायल देवी होती। यू मीन 60 साल की? नेवर। I'll never be 60 in my life. क्यों? उसके पहले ही तुम। Shut up, Bill. मेरा मतलब ये है कि मैं तो 501 के लिए 100 साल का बनने के लिए तैयार हूँ, तुम 5 लाख। Bill, अगर पायल देवी नहीं मिली तो उस 5 लाख की रकम का क्या होगा? एक मिनट। हाँ, इसमें लिखा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं मिली तो सारी की सारी रकम एक ट्रस्ट में डाल दी जाएगी। What a waste. Dear, मुझे एक आइडिया आया है। बोलो। मैं पायल देवी बन जाती हूँ। मैं पायल देवी बन जाती हूँ। अगर वो असली पायल देवी आएगी तो? नहीं आएगी, और अगर आएगी भी तो कोई उसका यकीन नहीं करेगा। और तुम्हारा यकीन सब कर लेंगे? हाँ? Of course, क्योंकि मैं अकादमी के सामने जाऊंगी पायल देवी के बहस में और तुम मुझे वहां ले जाओगे मेरा बेटा बनकर। मैं नहा भी नहीं हूँ। कितना काम ये शर्मा के बच्चे ने कितना काम दिया है। एक आदमी कितना काम कर सकता है? केशव। क्या है केशव? तूने ये खबर पढ़ी? कौन सी? अरे यार, एक जमाने की मशहूर नर्तकी पायल देवी अचानक वापस आ गई। तो ये खबर पढ़कर मैं क्या करूं, नाचू? देख यार, देख नहीं रहा तू? हाँ, कितना काम पड़ा है। ये काम पूरा नहीं हुआ तो शर्मा मेरा गला दबा देगा। अरे यार, आगे की खबर पढ़ो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें शौक लगेगा। देख गोखले, जब से श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता है ना, तब से मुझे किसी भी बात का शौक नहीं लगता, इलेक्ट्रिक का भी नहीं। तो आगे सुनो। पायल देवी की तलाश उसके बेटे ने की है और उसका नाम है दिलरुबा। अरे क्यों लग गया शौक? गोखले, पायल देवी के घर में दिलरुबा पैदा हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सूरज के घर में टेबल लैंप पैदा हुआ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। फिलहाल वो प्रेमा शालिनी के घर आराम कर रही है। ओ हो हो हो, भिकमंगो, अरे काम करो काम, अखबार पढ़ने। नहीं सर, नहीं 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 सर, नहीं नहीं, इस अखबार को मत फाड़िएगा। अरे इसमें बहुत ही अच्छी खबर छपी है, आपको फाड़ना है तो ये लीजिए ना, ऑफिस के पेपर से फाड़ लीजिए। फाड़ दिए, फाड़ दिए। एक्सक्यूज मी सर, आप किसी पायल देवी को जानते हैं? कौन पायल देवी? आपके जमाने की मशहूर नर्तकी। नटकी? पल्लो, अरे उससे तो मेरी किसी जमाने में गहरी दोस्ती थी केशव। आज से 30 साल पहले पहाड़ की चोटी पर मैंने उसका एक शो अरेंज किया था। आपने? और उसी रात को मैंने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा था केशव। फिर क्या हुआ सर? लेकिन हाँ, वो दूसरे ही दिन खाई में गिर गई। गिर गई? गिर नहीं गई होगी, उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन तुम लोग ये पल्लू की याद कैसे कर रहे हो? अरे सर, इस अखबार में खबर छपी है कि आपकी पल्लू वापस आ गई है। वापस आ गई? कहाँ है वो? प्रेमा शालिनी के घर पर रुकी है। लेकिन प्रेमा शालिनी से क्या संबंध उसका? दिलरुबा उसका बेटा है। दिलरुबा? पल्लू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी गिर जाओगी। उससे मिलवा सकते हो मुझे, भिख मंगे? मेरा केशव जी, मुझे पल्लू से मिलवा दो। मिलवा देंगे, मिलवा देंगे, लेकिन आपको 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी, मुझे वो भी डबल पगार के साथ। सब सब मंजूर है, मिलवा देंगे शर्मा, मिलवा देंगे। लग रही हूँ ना मैं तुम्हारी अम्मा? वो तो तुम मेरी अम्मा बगैर विक की भी लगती हो। क्या मैं 60 साल की बुढ़िया लगती हूँ? उम्र से नहीं लेकिन बर्ताव से लगती हो मेरी अम्मा तुम। बकवास मत करो और बताओ ना, क्या मैं पायल देवी लगती हूँ? लग रही हो पायल देवी, लग रही हो। कौन है? मैं देखता हूँ। मैं भी देखती हूँ। क्या है? कौन है?
कुलकर्णी और उसका बॉस शर्मा, उसे कह देना कि मैं सो गई हूँ। कह दूंगा, उसे कह देना, कह दूंगा, उसे कह देना, कह दूंगा, उसे कह देना, कह दूंगा बाबा। दिलरुबा जी, हेलो, क्या है? नहीं कुछ नहीं है, आइए ना शर्मा जी, आइए अपना ही घर, आइए आइए। What do you mean अपना ही घर है? डॉल डॉल घर पे नहीं है। अरे नहीं, हम प्रेमा जी से नहीं, आपकी मम्मी से मिलने आए हैं। क्या है, शर्मा साहब का आपकी मम्मी से बहुत ही पुराना रिश्ता है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरी माँ का कभी भी किसी ऑर्डिनरी आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। लेकिन आपको देख कर तो ऐसा नहीं लग रहा है। दिलरुबा जी प्लीज एक बार अपनी मम्मी से मुझे मिलने दीजिए ना। आज से 30 साल पहले कैलाश पर्वत पर मैंने उनका शो अरेंज किया था और साथ में मैं भी नाचा था। फिर तो मैं आपको कभी अपनी माँ से नहीं मिलने दूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी वजह से मैं 30 साल से अपनी माँ के प्यार से महरूम रहा। नहीं दिलरुबा जी, रोते नहीं, अच्छे बच्चे रोते नहीं। अरे शर्मा साहब की वजह से तो आपका बहुत बड़ा फायदा हुआ है। फायदा? हाँ, आपकी माँ अगर खाई में नहीं गिरती तो आज आपका नाम दिलरुबा शर्मा होता। अच्छा, तो कैसे? हाँ, क्योंकि शर्मा साहब आपकी मम्मी के साथ शादी करने वाले थे। बेटा बच गए दिलरुबा जी, आपके बाल बच गए। अगर शर्मा साहब आपकी मम्मी के साथ शादी करते तो आज आपके सर पर एक भी बाल नहीं बचता। क्यों? क्योंकि शर्मा साहब बचपन से गंजे हैं। माता जी, मेरा नाम है केशव कुलकर्णी। वो आपकी जो बहू है ना प्रेमा शालिनी, उसका मैं खास दोस्त हूँ। और ये है शर्मा साहब, तुम्हारा खास दोस्त। माता जी आप कैसी हैं? देखिए देखिए, हाथ मत लगाइए, जो कहना है दूर से कहिए, नो टचिंग प्लीज। अरे क्या कर रहे हैं दिलरुबा जी, आपकी माता जी मेरी माता जी, आपकी बहन मेरी बहन, आपकी बीवी मेरी बीवी, आपके लिए तो हर चीज जो मेरा है वो आपका है। ओके ओके प्लीज, आप लोग बाहर जाएंगे, मुझे अपनी पल्लो से बात करनी है। जी नहीं बिल्कुल नहीं, जो कुछ कहना है मेरे सामने कहना होगा। ठीक है ठीक है। पल्लो। हेलो, मेरा मतलब कौन? मैं बबलू, बबलू प्रसाद शर्मा। याद है ना, आज से 30 साल पहले हमारी तुम्हारी गहरी दोस्ती थी। मुझे कुछ याद नहीं, इतना मोटा, इतना बदसूरत भद्दा आदमी मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। नहीं नहीं, उस समय तुम्हें हैंडसम और दुबला आदमी हुआ करता था, और तुम्हें कहा करते थे कि बबलू तुम कुछ खाते क्यों नहीं, खाते क्यों नहीं, और खाते खाते मेरा मुझे कुछ याद नहीं। ना तो याद होगा कि आज से 30 साल पहले कैलाश पर्वत पर मैंने तुम्हारा शो अरेंज किया था और रात को तुम्हारे सामने प्रपोजल रखा था शादी का। 30 साल पहले तो दिल के डैडी ने मेरे सामने शादी का प्रपोजल रखा था, तुझे याद है ना बेटा? हाँ माँ याद है, मुझे याद है, मैं उस वक्त वहीं तो था। ए? तू उस वक्त था? था ना यार, तेरे को क्या है, तो अपना काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उससे पहले की बात कर रहा हूँ पल्लू, उससे पहले की बात कर रहा हूँ जब तुम पूरे होशो हवास में थी। आपका मतलब क्या है, जब मेरे डैडी ने शादी का प्रपोजल रखा था मेरी माँ के सामने, तब क्या मेरी माँ बच्ची थी, होशो हवास में नहीं थी, छोटी थी, कम से थी, नादान थी? निकले यहाँ से, निकले आप लोग। मुझे अफसोस होता है कहते हुए कि तुम्हारे कोख से इतने बेकार औलाद ने जन्म लिया। अच्छा माता जी पाए लागो। ये क्या माता जी, आपकी उम्र तो 60 साल की है और आपका हाथ तो 25 साल की लड़कियों वाला है। वो क्या करूँ ना बेटा, हाथों की एक्सरसाइज जो करती हूँ। अच्छा अच्छा, नृत्य वगैरह। हाँ। अच्छा ठीक है माता जी, मैं चलता हूँ। चलो बेटा जाओ, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रही हूँ। तुम जाओ। डॉल, कमाल कर दिया तुमने, कमाल, वाह क्या एक्टिंग है। केशु। क्या है? अरे जरा चिंटू को ढूंढ कर लाओ ना, पढ़ाई छोड़ के यहाँ वहाँ घूम रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है इस साल भी तीसरी में चौथी बार फेल होने वाला है। मम्मी मम्मी मम्मी, क्या है? दिलपुरा अंकल की मम्मी को मैं देख कर आ रहा हूँ, वो ना अपने बालों में सफेद रंग लगा रही है। चलो जाओ, जाओ अंदर जाओ, पढ़ाई। केशु, मैं जरा दिलरुबा जी की मम्मी को मिलकर आती हूँ। तो? क्यों, क्या 30 साल बाद आई है, जरा मिल तो लू। 30 साल बाद आई है, दिलरुबा जी की मम्मी की फिक्र लगी है, कभी मेरी मम्मी के बारे में पूछती तक हो? अरे गंगा आ गई, गंगा आ गई, क्योंकि मुझे तो लगता है असली पायल देवी गंगा ही है, इसका पैर एक जगह पर टिकता ही नहीं, हमेशा फुदकती रहती है। कोकी, गंगा माँ से अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो हम दोनों मिलकर दिलरुबा जी की मम्मी को मिलकर आते हैं। अरे हाँ, वही तो मैं कहने वाली थी,
वो दिलरुबा की मम्मी है ही नहीं। क्या? हाँ, और अगर वो मम्मी है भी तो वो पायल देवी हरगिज नहीं है। तुम कैसे जानती हो? क्योंकि मैं असली पायल देवी को कल ही मिलकर आ रही हूँ। कहाँ? येरवड़ा के पागल खाने में। ए गंगा, तू भी पागल खाने में रहती थी उसके साथ? कोकी, कल मैं मेरे एक रिश्तेदार को देखने वहाँ गई थी। कोकी, मैंने कहा था ना, गंगा के सारे रिश्तेदार पागल खाने में रहते हैं। ए केशु, तुम्हें पता है ना, मेरा दामाद वहाँ डॉक्टर है, और कभी तुम्हें जाने की जरूरत पड़ी तो बोल देना। अब मेरी समझ में आया गंगा कि तू इतने सालों से पागल खाने से बाहर कैसे घूम रही है। अरे मुझे भी तो बोलने दे कुछ। कोकी, वहाँ पर एक औरत नाच नाच कर चिल्ला रही थी कि मैं पायल देवी हूँ, मैं पायल देवी हूँ। ए गंगा, जरा फिर से नाच के दिखा। आ गंगा मौसी, दिखाओ ना एक बार, फिर से नाच के दिखाओ ना। ओके। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। गोखले, सिर्फ दाल ही में नहीं, बाल में भी कुछ काला है। बाल में? अरे चिंटू बता रहा था कि दिलरुबा की मम्मी काले बालों को सफेद कर रही थी। उसमें क्या है यार, 60-65 की उम्र में औरतों को अपने बचे हुए काले बालों की शर्म आती होगी। अच्छा बालों को छोड़, हाथ का क्या? क्या तू जानता है उसके हाथ कितने मुलायम है? अरे यार, उसके हाथ कैलाश पर्वत पर बर्फ के नीचे दब गए होंगे। चल हाथ को छोड़। हाँ। अरे मैंने उसके नाखून में नेल पॉलिश देखा था। नेल पॉलिश? हाँ। फिर तो जरूर कुछ गड़बड़ है। गोखले, मुझे तो लगता है दिलरुबा का बच्चा पायल देवी की जगह पर किसी घायल देवी को उठा कर लाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अरे कुछ भी कर सकता है, वो दिलरुबा है। ऐसी हालत में जो आदमी प्रेमा शालिनी को पटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। इसका मतलब दिलरुबा नेशनल एकेडमी के 5 लाख रुपया खाने के चक्कर में है। गोखले, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। छोड़ दे यार, अपने पहचान के एक आदमी को तो अमीर बनने दो। नहीं गोखले, मैं अपने जीते जी किसी भी पड़ोसी को अमीर बनता हुआ नहीं देख सकता। लेकिन क्यों? क्योंकि ये हमारे गांव का उसूल है। लेकिन हम करेंगे तो क्या करेंगे? हम फिर से प्रेमा जी के घर जाएंगे और उस बुढ़िया को चेक करेंगे। तुम अकेले जाओ यार। क्यों? उस बुढ़िया को देखता हूँ तो मुझे मेरी माँ की याद आती है। गोखले, गोखले, नहीं रोते नहीं, रोते नहीं। मेरे दोस्त रोते नहीं गोखले। अच्छा मेरे दोस्त, एक बात बता, तेरी माँ कहाँ है? उसकी मेरी बीवी को बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए उसे वृद्धाश्रम में रखा है। माँ, कौन जी? नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। मैं नेशनल एकेडमी की तरफ से आया हूँ। आओ ना बेटा, बैठो, पधारो। कोई बात नहीं। दिल बेटा, दिल इधर। जी माँ जी। इस इंसान के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम। बताइए आप क्या पियेंगे? जी इस वक्त नहीं, मेरा मतलब चाय या कॉफी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, मैं सिर्फ इतना बताने आया था कि कल हमारे चेयरमैन साहब आपके अवार्ड का चेक लेके आ रहे हैं। मैं उनका सुस्वागतम करूंगी। जी, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलो बेटा। जी, कल जब हमारे चेयरमैन साहब आएंगे तब उनके सामने आप आपकी नृत्य की एक झलक पेश करेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हो जाएगा? जरूर जरूर बेटा, नृत्य तो मेरी रग रग में बसा है। ठीक है फिर, तो मैं चलता हूँ। ठीक है जी, नमस्ते। बेटा इन्हें दरवाजे तक छोड़ के आओ। यहाँ से जाएंगे ना सीधा, आगे जाकर लेफ्ट लेके राइट लेंगे तो गेट आ जाएगा। डॉल, अरे अभी क्यों प्रैक्टिस कर रही हो? वो कल आ रहा चेक देने। कॉकरोच है। देखो इस बुढ़िया के गेटअप ने तो मुझे पसीना दिला दिया। क्या हुआ? कौन है और कौन होगा? कुछ ही। उनसे कह देना। कह दूंगा। उनसे कह देना। कह दूंगा। उनसे कह देना। कह दूंगा। तो मतलब छुप जा बाबा, कह दूंगा। क्या है? चल सर, बाजू चल, बाजू चल। अरे रुको यार, डॉल घर पे नहीं है। अरे मैं प्रेमा जी से नहीं, तेरी मम्मी से मिलने आया। तभी से बात करो, तुम्हें मालूम है इतनी बदतमीजी से मेरे जर्नैल पापा भी मम्मी से कभी नहीं मिलते थे। हाँ दिल बेटे कौन? मैं एक आवारा पड़ोसी आया है।
अरे माँ जी कैसी हैं आप? प्रणाम प्रणाम। प्रणाम आवारा बेटा। माँ जी मेरा नाम आवारा नहीं केशव कुलकर्णी है। हाँ माँ आवारा तो इसकी डिग्री है। माँ जी मैंने सुना है आपको 5 लाख रुपए अवार्ड में मिलने वाले। तेरे को क्या करने का है? माँ जी आपका किसी बैंक में अकाउंट वकाउंट तो है ना? क्यों? अरे नहीं माँ जी क्या है वो 5 लाख का चेक आप इसके हाथ में मत दीजिएगा। क्यों? अरे आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं ना माँ जी। मुझे दिल पर पूरा भरोसा है। तेरा हो गया ना? चल निकल ले। निकलता हूँ। पाय लागू माँ जी पाय। ये आपका हाथ? ये हाथ वाले लड़कियों का। मैं कहता हूँ हाथ छोड़, वरना हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा। निकल यहाँ से, निकल। मैं कहता हूँ अरे रुक। क्या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती का शौक है? कोकी जी मैं बॉम्बे सिंगर ही बनने आया था। चलो मैं आपसे बात नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी मम्मी आई हुई है। मैं जरा बिजी हो गया था। आपने मुझे ये भी नहीं बताया कि आपकी मम्मी यानी एक जमाने की मशहूर नर्तकी पायल देवी है। मैं खुद ही भूल गया था ना, इसलिए। आप भूल गए थे क्या? कोकी जी 30 साल पहले मम्मी गायब हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे रे तब तो आप उस वक्त बहुत ही छोटे होंगे। बहुत छोटा था, तब तो मैं दूध पीता बच्चा था। दूध पीते बच्चे? तो फिर आपने उन्हें कैसे पहचाना? मैंने कहा उन्हें पहचाना, मम्मी ने मुझे पहचान लिया। वो कैसे? कोकी जी क्या है, जब मैं छोटा था ना तब मैं गटागट दूध पीता था, तो उस दिन डेयरी फार्म के सामने खड़ा होकर भी गटागट दूध पी रहा था। मम्मी ने दोनों चीजों को लिंक किया और मुझे पहचान लिया। क्यों फेंक रहे आप? आपके मम्मी की शक्ल प्रेमा जी की शक्ल से मिलती है। आपने मम्मी को कब देखा? अभी अभी आई थी वो बालकनी में, मुझे देखकर ही चौंक गई। वो ऐसा है कोकी जी कि मम्मी आजकल रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसलिए जब भी किसी को देखती है झट से चौंक जाती है। ओए बंडलबाज, गंगा मौसी तो कह रही थी कि येरौड़ा के पागल खाने में एक औरत है जो खुद को पायल देवी कहती है। कोकी जी गंगा मौसी खुद एक पागल है, वो अब किसी और पागल औरत का हवाला देगी? हा? मुझे एक बात बताइए आप, सॉरी एक बात बताइए, अगर कल को गंगा मौसी ये कहती है कि मैं गंगा नहीं मैं कोकी हूँ, तो क्या मैं उसके घर में जाना शुरू कर दूंगा? बताइए मैं क्या पागल हूँ? I have come from येरवड़ा। चुप। ये सब कुछ मैं नहीं जानती, मैं आपकी मम्मी से मिलना चाहती हूँ। हाँ जरूर, वो मुझे जाना पड़ेगा, मम्मी नहाने गई है ना। तो वो क्या है कि गीजर ऑन नहीं करती, मम्मी को नहाने का बड़ा शौक है लेकिन गीजर में से शौक आता है। एक्सक्यूज मी बंडलबाज, शौक तो अभी तुम्हें लगेगा। नेशनल एकेडमी की ओर से कला की सेवा करने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट का 5 लाख रुपए का अवार्ड हम आपको देने के लिए आए हैं माताजी। शुक्रिया बेटा शुक्रिया। ठहरिए, असली पायल देवी वो नहीं, असली पायल देवी यहाँ है मेरे साथ। आइए पायल देवी आइए। मैं ही पायल देवी हूँ, मैं ही पायल देवी हूँ। आप ही हैं, आप ही हैं। What? ये क्या हो रहा है? वो नकली पायल देवी है और ये असली पायल देवी है। क्या बकवास कर रहा है केकड़े? मैं अपनी माँ को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ये दिलरुबा के बच्चे, ये तेरी माँ हो सकती है लेकिन पायल देवी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। घोर अपमान, घोर अपमान इस बुढ़ापे में इतनी महान कलाकारा का। बेटे जी तुम यही ठहरो, मैं इस दुष्ट पापी को पता कराती हूँ कि असली पायल देवी कौन है। नहीं तुम असली पायल देवी नहीं हो, नहीं हो। चलो आप बताइए आप क्या पियेंगे सर? जी इस वक्त चलेगा चलेगा। नहीं नहीं मेरा पता था, चाय या कॉफी? कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? केकु जी, केकु जी आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। प्रेमा जी आप? मैं समझ गया प्रेमा जी, मैं अभी जाके सारा मामला फिट कर देता हूँ। तो 5 लाख का अवार्ड आप ही को मिलेगा प्रेमा जी, आप ही को मिलेगा। सॉरी पायल देवी जी, आप ही को मिलेगा। मैं अभी आया। केकु जी आप कितने बेवकूफ हैं। फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई। असली है? क्या कर रहा है इडियट? असली पायल देवी वो नहीं बल्कि ये। अरे इन्होंने मुझे गोद में लिया था, बचपन में गोद में लिया था और मेरा पूरा खानदान इनको जानता है। ये कौन है? ये
ये तो कोई पागल औरत है, पागल खाने से भागी हुई है, मुझे नीचे मिली, मुझे कह रही थी मैं पायल देवी हूँ, पायल देवी हूँ, सो मैं उसे यहाँ ले आया। हाँ, मैं ही पायल देवी हूँ, मैं ही पायल देवी हूँ, मैं नाच के बताती हूँ। दिलरुबा अभी लो, मैं ही पायल देवी हूँ। अम्मा जी सुन लिया हमने, आप ही पायल देवी हैं, आप ही हैं, आप पायल हैं, हम तो घायल हैं सब। आइए आइए, आपका घर उधर है माँ जी, उधर वो देखिए सामने, बाय। हो गया, काम हो गया। अरे दे रहा हूँ ना। अरे दे रहा है ना, अरे भाई देना जल्दी। हाँ तो माता जी, ये रहा आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड, रुपीज 5 लाख का चेक, लीजिए माता जी। शुक्रिया। हेलो, क्या है भाई, क्या है सर? यहाँ पायल देवी कौन है? ओ, पायल देवी, ये है पायल देवी। हाँ बेटा, मैं ही हूँ पायल देवी। अच्छा, यू आर अंडर अरेस्ट। क्यों? क्यों? लेकिन क्यों? क्यों? हमें अभी अभी खबर मिली है कि पायल देवी पागल खाने से भागी है।